गाइस तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग जाने वाले हैं मथुरा, लेकिन अकेले नहीं। और ये ट्रिप 3 दिन का होने वाला है, तो 3 दिन में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सारा चीज़ इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि अकेले जर्नी कर करके आपका भाई हो गया था, वो तो साथ में दोस्त जा रहा है, लेकिन अभी कोई नहीं नज़र आ रहा है। कुछ देर में सभी दोस्त से मुलाकात होगी, फिर जर्नी की शुरुआत होगी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया। और देखो बढ़िया भैया, तो एक दोस्त वेट कर रहा है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, फिर वहां से उनको लेंगे और जाएंगे। लेकिन यहां से हम लोग कर रहे हैं ई रिक्शा। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5:25 और हमने मेट्रो ले लिया है जहांगीरपुरी से, यहां से हम लोग निकलेंगे न्यू दिल्ली। Hey you awesome people, it's your YVS Monu, welcome back with new video. So फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ नई दिल्ली स्टेशन पे और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12616 GT एक्सप्रेस, जो कि एवरीडे न्यू दिल्ली से शाम 6:40 पे निकलती है और आपको चेन्नई सेंट्रल 36 आवर के जर्नी के बाद सुबह 6:20 पे पहुँचाती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2183 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी ट्रेन की जानकारी और आज हम लोग पूरी जर्नी नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग बस जाएंगे मथुरा तक और साथ में दोस्त लोग हैं क्योंकि वृंदावन जाने का प्लान है, तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना दें, साथ में ट्रेन जर्नी और लाइफ स्टाइल दोनों ही ब्लॉग में मिक्स रहेगा। तो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, नहीं तो ट्रेन जर्नी कंटिन्यू रहेगा। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6:40 और टाइम आपको दिख रहा होगा और अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकल चुकी है और हमें यहाँ बताया गया है कि कैमरा या मोबाइल विंडो साइड या गेट पे बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, आपको पता होगा, मैंने स्टोरी में डाला था इंस्टाग्राम पर, तो इस वजह से अभी कैमरा बाहर नहीं निकाल सकते। अंदर से ही मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। आने से पहले मुस्कुराता रहूं, तेरे जाने से पहले गीत गाता रहूं। हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा और ट्रेन आधा घंटा डिले है अभी फिलहाल और यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पहुंचने का टाइमिंग था 8:30 और ट्रेन यहाँ पहुँचाई है 9:00 और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे होटल में। सो गाइज अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ स्टेशन के बाहर और अभी टेम्परेचर है मथुरा का 12°C और हमने यहाँ से ऑटो किया है, ऑटो वाला 200 रुपया ले रहा है और वो मुझे होटल तक छोड़ेगा। वैसे कैब मैंने देखा तो कैब में 350 रुपया बता रहा था, लेकिन सोचे चले ऑटो से ही चला जाए। हाँ अब क्लीन हो रहा है, चलिए अभी होटल जा रहे हैं। मिनट की जर्नी करने के बाद अभी अपनी ऑटो लगी है पेट्रोल पंप पे और भैया गए हैं पीछे, देखिए और पेट्रोल पंप देखिए यहाँ का कैसा लग रहा है। और ये रहा अपना बैग और दोस्त लोग अंदर में हैं, लगेज बैग इसके अंदर है। भाई ठंड भी लग रहा है तुम लोग को? थोड़ी सी दिल्ली वाली नहीं, दिल्ली में तो बहुत ही तगड़ा ठंड। यही 2 दिन के लिए स्टे करेंगे, श्री कृष्ण आश्रम वृंदावन। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए नीचे और यहाँ जो मैं आज आ पाया हूँ उसका श्रेय मैं देता हूँ दीपू भाई को, क्योंकि इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, स्पॉन्सर्ड है भाई।
ये बहुत दिन से मतलब सितंबर से बोल रहे थे कि भैया चलना है वृंदावन चलना है, और आज मौका मिला। और भाई साहब खाना का अगर बात करें तो लाजवाब खाना, पराठा दाल सब्जी, बस थैंक्स भैया अच्छा खाना खिलाने के लिए। सो गाइज हमने डिनर कर लिया, और डिनर भाई साहब बहुत अच्छा डिनर था, एकदम प्योर वेज, और उसमें प्याज नहीं था, लहसुन नहीं था। तो चलिए चलते हैं अब सोने के लिए रूम में, और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे जाने का। क्या कर रहा है भाई, टिकटॉक चला रहा है क्या? नहीं भैया, पबजी खेल रहा है। हाँ पबजी खेल रहा है। ओहो चलो 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 भाई चलो। सो गाइस अभी रात के बजने वाले हैं 12, ये 12:03, और हम लोग सोते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे सुबह में, और सुबह में हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और सभी दोस्त इधर, ये सचिन कहाँ जाना भाई कल दर्शन करने? गोवर्धन पर्वत भैया। तो कल जाएंगे गोवर्धन पर्वत, तो जो भी होगा वो मैं ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो गया 7:16, और आपके मोनू भैया अभी तक नहीं उठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये रहे आपके बंदे, नींद लग रहा है तो उठ जाओ। हम तो सोचे कि आप सबसे पहले उठते हो, ट्रेल ब्लॉगर हो ना। अरे भाई लेट से सोते हैं ना, तो लेट से कहा, कल 10:10 सो गए आप। 10 बजे नहीं सोए भाई, गलत मत बता, 12 बजे सोए। सारे उठ गए, हम सारे उठ गए, तैयार हो चुके हैं, मतलब तैयार तो नहीं हो लेकिन यही बात ये है ना कि फॉग अभी काफी है, इस वजह से हम लोग निकले लेट से। हाँ ये तो है, चलो फॉग तो बहुत ज्यादा है, ऐसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत तगड़ा फॉग हो रहा है, इसके वजह से भैया सो रहे आराम से। सो गाइज हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। कमेंट करके बताना मोनू भैया अच्छे लग रहे हैं, मैं लग रहा हूँ ठीक है। मुझे पता है आप मोनू भैया को ही बोलोगे, चलो कोई बात नहीं करके। सो गाइस हम लोग का प्लान अभी चेंज हो गया, हम लोग यहाँ से पहले जाने वाले थे छठीगढ़, फिर वहाँ से गोवर्धन पर्वत के लिए जाते, तो डायरेक्ट मतलब ऑटो बुक किए हैं, पर हेड 40 रुपया लग रहा है अपने होटल आश्रम से, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे गोवर्धन पर्वत के लिए, पर हेड 40 रुपया। तो चलिए अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, देखिए कैसा रहता है आज का दिन, पूरा जर्नी दिखाएंगे और गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करेंगे। पहली बार मैं जा रहा हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस होता है आप देखते रहिए। दीपू के पीछे पड़ गया है भाई, अरे छोड़ दे भाई। हो गया तो चेंज है भाई, किसी के पास चेंज है? दे बड़े भाई। मिला ना उधर पैसा? नहीं दिया भैया, उन्होंने नहीं दिया। लड़की को दिया भैया। अरे भाई मिला, ओए दीपू पैसा दिया, इसको पैसा दिया है, इसको पैसा दिया है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, और यहां से हम लोग लेंगे राइट, और परिक्रमा हम लोग की शुरू होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी यहां आप आते हैं तो जूता चप्पल पहले खोल ले, वैसे मैं अभी नहीं खोला जूता चप्पल, खोल के एक कपड़ा का जूता मिलता है वो लेना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और पीछे आप देख सकते हैं फूल वगैरह मिल रहा है। तो चलिए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने सोचा था पैदल परिक्रमा करेंगे, लेकिन पैदल परिक्रमा करने में 6 घंटे का समय लगेगा, तो हमने डिसाइड किया है कि ई रिक्शा करते हैं, और पर हेड 50 रुपया लेगा वो, 1 घंटा में 21 किलोमीटर का परिक्रमा करके हम लोग को यहाँ फिर छोड़ देगा। तो परिक्रमा करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही अगर आप अंदर घुसते हैं परिक्रमा करने के लिए, सामने आपको ये बिस्किट वगैरह मिलेगा पार्ले जी का, 100 रुपये का है ना, 100 रुपये का पैकेट है, ये बंदरों को खिलाने के लिए है, और ये दान करने के लिए। कितने का ये चेंज है? 100 रुपये का है,
में 90 रुपये कॉइंस है दान करने के लिए, और परिक्रमा करेंगे तो खाली पैर करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ये रहा। ये कितने का? 30 रुपये का जोड़ा पड़ेगा। लेकिन हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा से, तो जूता चप्पल ई रिक्शा में रखेंगे। और सो गाइज, हमने कर लिया है ई रिक्शा, और पर हेड 50 रुपये लगा है पूरा परिक्रमा करने का, और हम लोग के पास समय नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ई रिक्शा से ही परिक्रमा किया जाए। बहुत लोग ई रिक्शा ही कर रहे हैं। ले लो, लो लो, दे रहे हैं, सबको मिलेगा, सबको 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 मिलेगा मिलेगा। ये लो, ये लो। बंसा हो में हम लोग आए हैं श्री मंदिर पुंछरी कलौठा, और यहाँ हम लोग दर्शन करेंगे, फिर परिक्रमा को पूरा करेंगे। राधे 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 राधा रानी आप लोग।